गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता में स्थित मानसी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर पंकज कुमार दीक्षित ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर एलबी गुप्ता से अपने हॉस्पिटल के पीछे के हिस्से को किराए पर लिया था, जिसकी नोटरी 1 फरवरी 2020 को दोनों पक्षों में समझौते के आधार पर हुई थी। उस समय चेक से 2 लाख रुपए मेरे द्वारा दिया गया था, इसका जिक्र नोटरी में किया गया था। हमारी किराएदारी आगामी 31 मार्च 2028 तक की है, लेकिन कुछ महीनों से हॉस्पिटल खाली करने के लिए इनके द्वारा मुझे नोटिस भी भेजा गया। जब मैंने इस नोटिस का जवाब में कोर्ट में देने की बात कही तो वह नाराज हो गए और आज अपने कुछ साथियों के साथ मेरे हॉस्पिटल में पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर एलबी गुप्ता द्वारा जबरन हमारे हॉस्पिटल को खाली कराने के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है। 21 मई की दोपहर अपने कुछ साथियों के साथ यह हमारे हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में दाखिल हुए और मौजूद मरीज के बेड को धकेल कर इधर उधर कर दिया और इलाज के दौरान अराजकता फैलाने लगे। मैंने इनकी लिखित सूचना कैंट पुलिस को दी है। हालांकि कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा दल बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही बातचीत कर पूरे मामले को जानकारी भी हासिल की। बता दें कि बेतियाहाता के हॉस्पिटल संचालकों में शुरू से ही वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुआ करती है। कई बार बड़ी घटनाएं भी हो चुकी हैं। कई हॉस्पिटल के ठेकेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बावजूद हमेशा ऐसी दबंगई देखने को मिलती है। हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अब मानसी हॉस्पिटल के संचालन को अपनी जान माल को लेकर खतरा सता रहा है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल से जाते समय इन लोगों ने खुले तौर पर धमकी दिया है कि या तो तुम अपना हॉस्पिटल खाली करो, नहीं तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। सुबह 10 बजे करीब मेरे को यहाँ से हॉस्पिटल से कॉल गया कि सर कुछ लोग आए हुए हैं एलबी गुप्ता के साथ, यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं और हॉस्पिटल खाली करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने एलबी गुप्ता सर को फ़ोन भी किया कि सर अभी तो हम लोगों का ये रिटर्न कंप्लेंट हुआ था तो आपने दिया था जवाब, मैंने उसका लेटर के थ्रू भेज दिया था। तो उन्होंने कहा कि अब उसका कोई मतलब नहीं है, मैं खाली कराऊँगा, मैं अपना काम करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। अच्छा, आपने लिया है इनको किराए पे कब, जी? तो ये वैधता कब तक है? 2028 तक की वैधता है इसकी। अच्छा, किससे लिया है आपने? डॉक्टर एलबी गुप्ता सर से। ये कौन है? डॉक्टर डीएम गैस्ट्रो हैं, डॉक्टर एलबी गुप्ता। तो उनकी जमीन है या नहीं? वो भी रेंटेड ही है, वो किसी सिंह साहब है। यहाँ न्यायालय में चल रहा है अभी, लेटर दिया गया था वकील के थ्रू आ रहा है। तो आज क्या घटना हुई है? आज घटना ये हुई है कि सुबह ये लोग कुछ लोगों के साथ आए और यहाँ पर ज़बरदस्ती खाली कराते रह गए और गाली गलौज कर रहे थे, धक्का दे रहे थे मरीजों को, जो अच्छा नहीं है। क्या इसका कोई फुटेज है? जी, मेरे पास फुटेज है, मैं अभी आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। जी, उसका कैंट थाने पर मैंने तहरीर दे रखी है, अभी FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन मैंने तहरीर दे रखी है। पुलिस कह रही है कि अभी फिलहाल पुलिस ने उसी समय त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर यथास्थिति बनवा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि FIR दर्ज हो इस पर। आपको जाते समय कुछ जान माल की धमकी भी देते हुए लोग? ये लोग कह के गए हैं कि देखता हूँ कैसे हॉस्पिटल चलाते हैं, किसी न किसी तरह के फर्जी मुकदमे में आपको फंसाएंगे। जो गुप्ता जी से आपकी बात हुई है, क्या वो रिकॉर्ड? जी, रिकॉर्ड में है मेरे पास। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पंकज कुमार दीक्षित। किस नाम से हॉस्पिटल है? मानसी हॉस्पिटल। अच्छा,